ओम सिद्धेश्वराय नमः। जय जय माता दी। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एकमात्र ऐसे YouTube चैनल पे जहां पे आपको संपूर्ण विधि और उपाय बताए जाते हैं। मित्रों, आज मैं आपको संभोग वशीकरण मंत्र बताऊंगा। तो इस उपाय को बताने से पहले आपको यह बता दूं कि इस प्रयोग को सिर्फ शादीशुदा इंसान ही करे, क्योंकि यह आजमाइश के लिए नहीं है। यह सब मंत्र की शक्तियां हैं जो एक ही बार में कार्य करती है, अर्थात जिस स्त्री या पुरुष के ऊपर आप कर देंगे तो निश्चित तौर पर वह आपके पीछे पागल हो ही जाएगी। तो इसे उन लोग जो शादीशुदा हैं और जिंदगी में अपनी संतान उत्पत्ति के लिए वैवाहिक जीवन का संपूर्ण सुख या आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मंत्र का प्रयोग जरूर करिए, उन्हीं के लिए है। इसे करने के बाद न सिर्फ आपके प्यार में बढ़ोतरी होगी, अपितु पति या पत्नी के लिए और उसके प्रति आपके मन में बहुत ही ज्यादा प्रेम उत्पन्न होगा, और यह ऐसी भावना उत्पन्न कर देगी कि आप दोनों आपस में एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। जी हाँ, करना क्या है, इस विधि को आपको सबसे पहले किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करके निरंतर 5 दिनों तक करनी है। रुद्राक्ष की माला लेनी है शुक्रवार को प्रातः काल, सुबह 4 से 5 के बीच में इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप सिर्फ एक माला है, अर्थात 108 बार जाप करनी है। इसके लिए आपको एक ताजे गुलाब का फूल चाहिए मित्रों, और आपकी पति या फिर पत्नी का फोटो चाहिए, जिस भी इंसान को आप संभोग के लिए वशीभूत कर रहे हैं उसका। और उसके बाद मंत्र जाप शुरू करना है आपको। मंत्र इस प्रकार है, अपने स्त्री या पुरुष जिसका भी फोटो लिया है उसके फोटो के ऊपर उस गुलाब को रखना है और फोटो को देखते हुए मंत्र जाप करनी है। मंत्र है ओम प्रीम क्लीम मैथुनस्य क्लीम मम वशे क्लीम फट स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम ह्रीम क्लीम मैथुनस्य क्लीम मम वशे क्लीम फट स्वाहा। यह बोलकर उस गुलाब में और उस व्यक्ति के फोटो में 3 बार फूंक मारिएगा, और उसके बाद फूंक मारने के बाद इस फोटो को छुपा कर रखिए और गुलाब को अपने पास रखिए, अपनी जेब में अपने साथ रखिए, जहां पे भी जाएंगे अपने पास ही रखिएगा उसे। और निरंतर 5 दिनों तक यह करने के बाद आपको प्रतिदिन एक नए गुलाब लेने हैं, और उसके बाद जैसे 5 दिन हो जाएगा तो इन सभी गुलाबों को आपको विसर्जित कर देना है। 5 दिन होने के बाद आपका इस 5 दिनों के अंतर्गत ही आपके प्यार अर्थात पति और पत्नी के साथ जो संबंध है, जो आप संतान की प्राप्ति के लिए सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, संभोग का सुख वह हो ही जाएगा। निश्चित तौर पर यह मंत्र की शक्ति आपके लिए काम कर ही देगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है मित्रों, तो नंबर जो डिस्प्ले में हमेशा शो हो रहा है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओम सिद्धेश्वराय नमः। जय जय माता दी।